दोस्तों आज हम बात करेंगे डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हम किन किन कोर्सों को कर सकते हैं, और जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो कौन कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है प्रोवाइड करवाती है, क्या ये डिस्टेंस एजुकेशन है वो गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब में या फिर अन्य आगे के जो कोर्स हैं उनमें क्या ये मान्य है। तो दोस्तों इन सभी विषयों के बारे में हम आज विशेष रूप से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस एजुकेशन है दूरस्थ शिक्षा, और दूरस्थ शिक्षा उन दूरस्थ शिक्षा का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करना। जो स्टूडेंट्स रेगुलर मोड में नहीं जा सकते, कोर्स को पूरा नहीं कर सकते, या फिर वो घर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, या उनके आसपास में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, वो डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हैं। हालांकि आपसे आपके पास में कॉलेज हो, आप रेगुलर चाहे जाना चाहे नहीं जाना चाहे, आप भी सब हर प्रकार का व्यक्ति जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन में सिर्फ MBBS और BTech के अलावा सारे कोर्स अवेलेबल है। आप BSc कर सकते हो, MSc कर सकते हो, BA कर सकते हो, BBA कर सकते हो, MA कर सकते हो, तो आप हर प्रकार के कोर्स आप कर सकते हो। ओनली आप MBBS और BTech यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन में नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है। तो दोस्तों MHRD दिल्ली के द्वारा ये अप्रूव है। सारी यूनिवर्सिटियां जितनी हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जितनी मान्य होती है डिग्री, उतनी ही डिस्टेंस एजुकेशन से जो डिग्री ले हम लेते हैं वो मान्य होती है। ये गवर्नमेंट जॉब में आगे के कोर्सों में हर जगह वैलिड है, जितनी अपनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ली गई डिग्री वैलिड होती है। मतलब इसमें कहीं भी कुछ फर्जीवाड़ा नहीं होता। डिस्टेंस एजुकेशन उसी प्रकार है जैसा हमारा रेगुलर मोड में ली गई डिग्री होती है। दोस्तों कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नाम दे रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।